चार गुण जीवन में सदा हो मैंने देखा है पहला है धीरज कोई अब गहराई में जाकर के आत्मा मन स्थिति में अगर धीरज के देखेंगे ना धीरज धर मन व मन को धीरज दो जल्दी अधीरे न हो जाओ अधीरता व्यर्थ चिंतन में ले जाती है दुखी बनाती है दूसरा गुण है सहनशीलता सहनशीलता के गुण के गहराई में जाएंगे ना बहुत हमको ये नहीं कहते हैं सहन शक्ति चाहिए मुझे सहन करने की शक्ति आती है है क्या बड़ी बात है मुझे सहन करना पड़ता है मैं दुख हुआ शिकल में थोड़ा भारी पन आएगा कभी आंखें गिली भी हो जाएंगी तो वो सहनशीलता नहीं है धीरे सहनशीलता तीसरा हमारा मित्रता भाव कोई शत्रु नहीं है मेरा निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए ये मेरे बाबा के बोल है उसको मित्र मानो जो महमा करे उसको में मित्र मानो जिसने कुछ निंदा की गलत बोला उसको शत्रु मानो ये ज्ञानी तो आत्मा ये नहीं कहेगा महमा करने वाले तो मुझे खुश भी कर सकते हैं या आज मैं मां करते कल कुछ भी कर सकते हैं पर उस पर मेरा आधार न हो जीवन का mm -hmm. मैमा के आधार से मैं शिवा में रहूं मैमा के आधार से मेरा अच्छा संबंध रहे नहीं नहीं रूहानियत है ईश्वरीय से नहीं है अच्छा है तो ये बात पूरी हो जाएंगी पर सहनशीलता सुखी रखेंगी कुछ भी हो जाए और ये कई बार अनुभव है कईयों के साथ रहेंगी कुछ बात हो गई दो मिनट के बाद जैसे वही नहीं थी चेहरे पर न हो वाइब्रेशन में न हो समझ गए ना? ज्ञानी तू आत्मा है ना अंदर मन में रिपीट न हो फिर अब मन में आया मुख से बोला वाइब्रेशन में आया गलत है जैसे मित्रता भाव में समा लेते हैं मित्रता भाव में समा लेते हैं ये मम्मा बाबा को देखा है कई बार मामा बाबा के दृश्य सामने आते हैं कोई बार कहेगा कुछ पर मम्मा बाबा के चेहरे से दिखाई नहीं पड़ता है कुछ हुआ बाबा को सामने कहीं गाली भी दी होंगी पर बाबा के चेहरे पर बाबा इसको कुछ कहे नहीं ना। बच्चे का दोष नहीं है कोई बच्ची बात नहीं बाबा को कोई पत्र रहा बाबा कुछ जवाब लिखे ना 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 बच्ची बाबा हरेक को अपना मित्र समझा है हरेक को अपना मित्र मानना है हमको ये है मित्रता भाव मना रूहानियता का ईश्वरी स्नेह का संबंध जो है ना बात ठीक हो जाएंगी पर संबंध ठीक न रहे मेरा लिए नहीं है तीसरा गुण है संतुष्ट रहना चौथा पांचवी बात आती है फिर ज्ञान में गंभीरता बहुत आती है तो गंभीरता में एक बारी मम्मा को कहा मम्मा थोड़ी अब सीरियस है मम्मा ऐसे हम लोगों मुंह में देखा इसको आप सीरियस कहते हो <laughs> मम्मा को ज्यादा हंसना बैलना बात करना ज़्यादा बात करना मामा नहीं करती थी हम समझते थे मामा थोड़ा तो सीरियस अक्षर मामा को कहा ना मामा ने मुस्करा के बोला ना हमने समझा ये ये को नहीं करना चाहिए मम्मा के लिए ज्ञान जितना जो ज्ञान में ज्ञानी तो आत्मा है जैसे बाबा मुस्कराता कितना है साधारण तो मुस्कुराहट नहीं है ना बाबा के मुस्कुराहट में इतनी शक्ति है इतना हमको शिक्षा दे रहा है मुस्कुरा के शिक्षा दे रहा है उसमें बहुत एक शिक्षा और शक्ति समाई पर ही है उस दिन से लेकर के हम लोगों ने ये जो शब्द बोला ना समझा मामा को हम लोगों ने नहीं जाना है तभी ये शब्द निकला बोल कम थोरे रूप ब्र स्नेह शक्ति वाला साधारण न हो रूहानियत उसका दूसरा है रूहानियत में रमणीकता हो hmm. कोई सीन ऐसी आ जाए तो सीरियस न बन जाए सीन ऐसी कोई ऐसी है उसमें थोड़ी सीरियस बन जाएंगे ना तो हमारे मन का इफेक्ट तन पर भी आ जाएगा वायुमंडल में आ जाएगा क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है वायुमंडल को सदा शांत सच्चाई प्रेम वाला रखना उसमें दुख की लेन देन का बिजनेस तो थकावट वाला या सीरियस रूप या ये वगैरह जो होता है ना जैसे दुख काले दिन का वायुमंडल है नहीं करने का है समझा ये बाबा का मतलब था ना बहने भाई बाबा का ये था ना हा? लो नहीं ना दुख कुछ भी हो जाए ना तो समझू सारा नहीं लेगा ना कहेंगे क्या हो? जैसे कुछ हुआ ही नहीं ना न चिंतन में आया न मुख पर आया ओके okay. ठीक है ठीक है चलते 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 मुझे बाबा मिल गया है मुझे बाबा मिल गया है मेरे साथ चलते चलते मेरे साथ चलते चलते बस गई है वही गीता बस गई है मेरा भाग्य बनते बनते